अगर बढ़ते हैं, बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से। शहर में कई प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स के छापे। आज सुबह से इनकम टैक्स की कार्रवाई कई प्रतिष्ठानों पर चल रही है। धान मंडी में 255 और 17/40 नंबर दुकान पर इनकम टैक्स का ये छापा। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुशील कुमार, सतीश कुमार की दुकान पर ये कार्रवाई। शहर में और भी कई जगह इनकम टैक्स की रेड होने की सूचना। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर लगी जो तस्वीरें आपको सुपर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं धान मंडी में 255 और 17/40 नंबर दुकान की, जहां पर इनकम टैक्स का ये छापा। सुशील कुमार और सतीश कुमार की दुकान पर कार्रवाई। और भी कई अलग अलग प्रतिष्ठान जहां पर अल सुबह से ही इनकम टैक्स की रेड, इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू हो गई। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर तस्वीरों के साथ। हालांकि वहां पर जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती, इनकम टैक्स से कुछ भी आगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन साधुराम सतीश कुमार की जो फर्म आपको नजर आ रही है प्रतिष्ठान, इस पर सुबह ही इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई थी और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर्स अब ब्यौरा खंगाल रहे हैं। उसके बाद वो फाइल्स खंगालेंगे और फिर जो भी कमी उन्हें लगेगी उस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पूरी जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, बड़ी अपडेट है श्रीगंगानगर में, कई अलग अलग प्रतिष्ठान जिस पर सुबह से ही इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है, रेड छापेमारी की क्या जानकारी? बिल्कुल, जैसे श्रीगंगानगर के अंदर कई प्रतिष्ठानों पे इनकम टैक्स की रेड चल रही है, कार्रवाई चल रही है। सुबह 5 बजे इन प्रतिष्ठानों पर और व्यापारियों के घरों के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारे हैं और समस्त कई तरीके के कागजात हैं वो भी जब्त किए हैं। फिलहाल सर्च चल रहा है धान मंडी के अंदर 255 नंबर दुकान और 17/40 इन दो दुकानों पे अभी इनकम टैक्स की रेड वहाँ पे चल रही है। कई अधिकारी वहाँ पे मौजूद है। सुशील कुमार, सतीश कुमार की दुकान के ऊपर ये रेड अभी चल रही है और अन्य कई जगहों के ऊपर भी रेड बताई जा रही है कई प्रतिष्ठानों के ऊपर। तो पूरे राजस्थान भर में जैसी बताई जा रही है, कई टीमें हैं जो लगातार एक साथ सुबह सुबह अल सुबह कई शहरों में रेड की है, जिसमें गंगानगर भी शामिल है। गंगानगर में कई प्रतिष्ठानों पर रेड चल रही है और इनकम टैक्स के चोरी के संबंध में ये बड़ी कार्रवाई है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिल रही थी कि बड़ी जो हेर फेर हो रही है, इसके अंदर इनकम टैक्स की चोरी हो रही है। तो इसी को चलते आज सुबह सुबह 5 बजे से इनकम टैक्स के अधिकारी है और कई गाड़ियां यहाँ पे मौके मौजूद है। पुलिस को भी बुलाया गया है और अभी जो व्यापारी है उनसे संबंध में पूछताछ चल रही है। उनके जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है और व्यापार से संबंधित सारे जो दस्तावेज है वो उन्होंने जब्त की है और फिलहाल घर पे और प्रतिष्ठानों पे कार्रवाई चल रही है। जैसी सुनील, जो घर और प्रतिष्ठान है और तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुबह सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंची होगी और इनकम टैक्स की कार्रवाई में अमूमन पूरी कार्रवाई होने के बाद ही कोई अपडेट आगे निकल कर सामने आती है। कितना समय सुबह से अब तक, लगभग 5 घंटे का आप बता रहे हैं, कुछ अपडेट अंदर से आई है कि कुछ मिला ब्यौरा जिस आधार पर कार्रवाई हुई? बिल्कुल जेती, जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी कार्रवाई करता है, जब भी रेड करता है तो अल सुबह ही रेड करता है। सुबह जब सूरज निकलने से पहले उनके व्यापारियों के घर पे पहुंच जाते हैं और दुकानों पे जाके, और यहाँ तक कि जो इनके मुनीम होते हैं उनके घर पे भी एक साथ रेड की जाती है। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई व्यापार से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है या कोई फाइलें हैं वो इधर उधर ना हो जाए। बिल्कुल सुनील, और कहीं ना कहीं अल सुबह ये कार्रवाई की जाती है। अपडेट आपसे आगे भी इस पर लेंगे। बहुत शुक्रिया अभी के लिए।